आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। बंगाल में सीमा हैदर जैसा केस, बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर भारत आ गई सपला अख्तर, पर प्रेमी निकल गया फरेबी। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की कहानी इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आया है। यहाँ भारतीय युवक के प्रेम में एक बांग्लादेशी युवती बॉर्डर क्रॉस कर बंगाल आ गई, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड के इरादे से बिल्कुल अनजान थी। युवती की पहचान सपला अख्तर उम्र 21 के रूप में हुई है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी आ गई। यहाँ आने के बाद जब उसे अपने प्रेमी के गलत इरादों का पता चला तो वह भाग खड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक सपला अपने भारतीय प्रेमी से मिलने के लिए करीब 2.5 महीने पहले बांग्लादेश के अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। सिलीगुड़ी में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। अचानक एक दिन उसे पता चला कि उसका प्रेमी उसे नेपाल बेचने की साजिश कर रहा है। इसके बाद युवती प्रेमी से बचने के लिए वहां से भाग निकली। भागते हुए वह सिलीगुड़ी रेलवे जंक्शन पहुंची, जहां एक स्वयंसेवी संस्था ने उसे संघिन हालत में घूमते देखा और उसे प्रधान नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवती को अवैध रूप से सीमा लांघकर भारत में प्रवेश करने के आरोप में अरेस्ट किया। गुरुवार को उसे सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस आरोपी युवती के प्रेमी की तलाश कर रही है। इससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।